बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज मैं आपको बताऊंगा कि औरत की हम बिस्तरी के दौरान फारिग होने की चार निशानियां कौन कौन सी हैं जो हर मर्द को मालूम होने चाहिए। आज आप लोगों को औरत के मुबाशरत के दौरान पोशीदा इशारे कैसे पता चलेगा कि औरत के अंदर शहवत उरूज पर है और वो मर्द के साथ हम बिस्तरी करना चाहती है, और इसी तरह अक्सर औरतें मुबाशरत के दौरान ही फारिग हो जाती हैं मगर मर्द को इस बात का पता नहीं चलता और वो औरत को झटके मारता रहता है। तो मैं आप लोगों को औरत की सब सेक्स के बारे में निशानियां बयान करता हूं। पहली अलामत ये है कि औरत के जिस्म का ढीला पड़ जाना और जिस्म का पूरी तरह से नरम हो जाना, और फिर औरत अपनी तरफ से मर्द को बुलाने की इशारा करती है जिससे साफ पता चलता है कि औरत हम बिस्तरी करना चाहती है। जब मुबाशरत के दौरान औरत मर्द के झटकों का पूरा जवाब देती है जिससे साफ पता चलता है कि औरत मर्द से पूरा मज़ा लेना चाहती है। जब औरत फारिग होने वाली होती है तो अपने हाथों को हिलाने लगती है और पसीने में भीग जाती है, जिसके बाद औरत पूरी शिद्दत के साथ मर्द के साथ लिपट जाती है। और जब औरत फारिग होने के करीब होती है तो वो नफ्स को अपने अंदर पूरी तरह खींच लेती है ताकि मर्द की मनी औरत के अंदर ही खारिज हो। जैसे ही फारिग होती है तो निडाल होकर गिर पड़ती है, और जिसके बाद उसको दोबारा मुबाशरत के लिए तैयार किया जा सकता है। मर्द और औरत दोनों का फारिग होने के बाद मर्द को चाहिए कि औरत के पेस्तान को अच्छी तरह चूमे ताकि औरत को लगे कि उसने मर्द को पूरी लज्जत दी और खुश कर दिया। नाज़रीन, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की हमारी वीडियो आप लोगों को पसंद आ गई होगी। पसंद आने की सूरत में हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें ताकि वो भी इन मालूमात से फ़ायदा उठा सकें। और एक नई वीडियो के साथ दोबारा से आप लोगों की खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह ने कहबान।